रक्षाबंधन की तिथि और नक्षत्र को लेकर इस साल भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सावन की पूर्णिमा दो दिन यानी 11 और 12 अगस्त को है। इस पर देश भर के ज्योतिषियों का कहना है कि भद्रा खत्म होने के बाद पूर्णिमा और श्रावण नक्षत्र का योग गुरुवार को बन रहा है, इसलिए 11 अगस्त की रात में ही राखी बांधनी शुभ होगी। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी सुख शांति लंबी आयु की कामना करती हैं। भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने का प्रण लेता है। ऐसे में रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के सही मुहूर्त की बेहद मान्यता है। हिंदू धर्म में वैदिक काल से ही रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का सही मुहूर्त ध्यान में रखा जाता है। आपको बता दें कि भारतीय संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये त्यौहार भाई बहन को स्नेह की डोरी में बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्यौहार है। रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भगवान से अपने भाइयों की तरक्की के लिए प्रार्थना करती हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार हर भाई के लिए बेहद खास होता है। इस दिन वे अपनी बहन को हर वो चीज देना चाहते हैं जिसकी इच्छा उनकी बहनें करती हैं। ऐसे में यदि आप अपनी बहनों को कुछ प्यार भरी बातें सुनाना चाहते हैं तो सुना सकते हैं। जी हाँ, आज के दिन भाई और बहनों का प्यार परवान चढ़ता है। है ये कच्चे धागों का बंधन, टूट के भी कभी न टूट पाएगा। बंधेगी राखियां सूनी कलाई पर और तिलक माथे पर सजाएगा। है ये बंधन एक विश्वास का, जिंदगी भर साथ निभाएगा। रक्षाबंधन यानी भारत में भाई और बहन के बीच प्यार का प्रतीक होने के लिए हर साल बहुत खुशी के साथ मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार। ये त्यौहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आया राखी का त्यौहार, छाई खुशियों की बहार। एक रेशम की डोरी से बंधा एक बहन ने अपने भाई की कलाई पर प्यार। इन बिसिन के सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।